हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं आखिर आपके पार्टनर क्या चाहते हैं इस रिश्ते में। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी जोडियक साइन के लिए हैं। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जनरल रिलेशनशिप में, सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तब तक हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपको अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है। ओके, कार्ड ही मुड़ गया। फोर ऑफ कप्स, वाव, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाओ, फोर ऑफ वॉन्ड्स है, फोर ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स। यहाँ पर अगर आपके आपके थॉट्स की बात करती हूँ मैं, तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सोच रहे हैं और कुछ भी पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं। आप सभी के दिमाग में या मेरे कुछ व्यूअर्स के दिमाग में ये आ रहा है, क्या मेरा पार्टनर मुझे ही चूज़ करेगा? उसके पास कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं? अगर आप मैरिड हैं तो कहीं मेरा पार्टनर किसी और से बात तो नहीं कर रहा है? मनीषा, सेपरेशन में हो के, अच्छा, वो तो बहुत इन्जॉय कर रहा है अपनी लाइफ को, बहुत सारे लोगों से बात कर रहा होगा। ये सारी चीज़ें आप लोग के थॉट्स में हैं। अब इन थॉट्स का रिज़ल्ट ये है कि मान लेते हैं कि आपके पार्टनर किसी भी थर्ड पार्टी में नहीं है, आपके साथ सेपरेशन के बाद में वो अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आप उनके लिए क्या मैनिफेस्ट करें कि जाओ भाई किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो जाओ? ठीक है, या आप उनके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को आप ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आप अपने पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी नहीं भी है तो उसकी ज़िंदगी में लेकर आ रहे हैं आप, क्योंकि आप अपने पार्टनर के लिए यही मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप ये मैनिफेस्ट करते हो मेरा पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, अगर आपको पता है, आप कन्फर्म है कि कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, तो आप ये क्यों नहीं सोच सकते कि थर्ड पार्टी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है, कोई थर्ड पार्टी है नहीं? ठीक है, दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, कि थर्ड पार्टी के साथ क्या कर रहा है मेरा पार्टनर, वो थर्ड पार्टी नहीं है, और अगर है तो ख़त्म हो चुकी है, सोच के देखिएगा। ओके, द एम्परर, कुछ नहीं, सबसे ज़्यादा आपके पार्टनर का ईगो प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ जजमेंट आया है। हमारे भी उसके पार्टनर क्या चाहते हैं इस रिश्ते में? एट ऑफ सोर्ड्स, सबसे ज़्यादा उन्हीं के खुद के जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो रुकावट पैदा कर रहे हैं, ये चीज़ आपके पार्टनर को एहसास हो रही है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ये हो सकता है कि छोटे मोटे टोने टोट के आप दोनों का अलग करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर चाहते हुए भी आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है,
अच्छा मुझे एक चीज़ आप लोग को क्लियर करनी है कि कई बार ऐसा होता है कि आप लोग की शादी होने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, और एक एज होने पे भी शादी नहीं हो पाती है आपकी, या फिर रिलेशन काफ़ी ज़्यादा टूट जाते हैं। इसके दो बहुत बड़े कारण होते हैं, एक तो ये कि आपकी कुंडली में कुछ दोष है, सेकंड चीज़ ये कि अगर कुंडली में कोई दोष नहीं है आपकी, ठीक है, तो ब्लैक मैजिक यूज़ करके आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें करवाई गई हैं, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। चलिए अब आपकी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बॉटम में देखिए थ्री ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पर आप दोनों जल्दी ही अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक है, एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे आप दोनों, ठीक है। और यहाँ पर आप दोनों को मिलाने का काम करेगा कोई फीमेल पर्सन, ठीक है, जिसकी बात आप भी काफ़ी ज़्यादा मानते होंगे और आपके पार्टनर भी। आप दोनों को गाइडेंस बहुत अच्छी मिलेगी, ठीक है। ओके चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में थे, अभी सेपरेशन है, आप दोनों की शादी हो चुकी थी तो आप दोनों के बीच में सेपरेशन, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है रिसेंटली आप लोगों ने कुछ क्रिस्टल ब्रेसलेट खरीद के पहने या फिर आपने काफ़ी समय से पहने हुए हैं। ओके अच्छा, आपकी लाइफ में आपकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उस पर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा कम जाता है। आपके पार्टनर के साथ जो भी आपका सेपरेशन चल रहा है पूरे टाइम आप वही सोच सोच कर अपने सर में दर्द कर लेते हैं। ऐसी एनर्जी से प्लीज़ बाहर आ जाइए, क्योंकि सिर्फ नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करेंगे, वही सारी चीज़ें मदर यूनिवर्स में जाएंगी और वही सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, वही सब कुछ आपकी लाइफ में हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आप सभी को हमेशा मना करती हूँ इन सब चीज़ों के लिए। यहाँ पर रिश्ते में आपके कुछ भी नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो बना रहेगा। फोर ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, फिर हमारे पास है फोर ऑफ वांड्स। इन एनर्जीज़ को आप सभी लोग जानते हैं कि ये शादी की एनर्जी होती है। फोर ऑफ कप्स आया है हमारे पास, व्हील ऑफ फॉर्चून, काफ़ी समय से अगर सेपरेशन चल रहा है तो भाई सेपरेशन ख़त्म हो जाएगा, समय बीत रहा है, मतलब कार्मिक्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, पास्ट लाइफ कर्मास रिलीज हो रहे हैं, सारी चीज़ें तो ख़त्म होती जा रही हैं आपके पार्टनर की लाइफ से भी और आपकी लाइफ से भी। फोर ऑफ कप्स से मतलब वो आपके इस रिश्ते में, आपके साथ जो रिश्ता है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून है, काफ़ी समय से जो चीज़ें नेगेटिव जा रही थी वो सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करेंगे। देखिए लड़ाई झगड़े और रिश्ते में उतार चढ़ाव सभी के आता है, ठीक है, चाहे वो शादी नई शादी हो चाहे वो शादी काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो जाए, ठीक है, इन सब चीज़ों से नहीं घबराना चाहिए। आजकल क्या होता है उठा के हम लोग ब्लॉक कर देते हैं एक दूसरे को, तो हम और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, अरे उसने तो मुझे सब तरफ से ब्लॉक कर दिया। पहले के टाइम में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है, तो लोग काफ़ी समय तक आपने वेट किया है, थोड़ा और वेट कीजिए। आपके रिश्ते में जो सिंगल हैं फॉर ऑफ वांट्स की एनर्जी है, सेलिब्रेट करेंगे, शादी हो सकती है एक दूसरे के साथ में। अगर आप दोनों शादी में हैं तो साथ हो जाएंगे, रीयूनियन हो जाएगा। आपके पार्टनर क्या चाहते हैं भाई, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को पूरे अच्छे से निभाना चाहते हैं। फॉर ऑफ वांट्स की एनर्जी है, उनके खुद के थॉट्स हैं या फिर उनके ही आसपास के लोग हैं जो उन्हें आपकी तरफ बढ़ने से रोक रहे हैं, जो उनके सक्सेस को भी रोक रहे हैं, उन्हें पूरे टाइम अपने में ही उलझा के रखना चाहते हैं आपके पार्टनर को। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके पार्टनर को खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि मुझे शुरुआत करनी कहाँ से है, ठीक है, क्या करूँ मैं, किस तरीके से करूँ। इस सब के बीच में उनका ईगो भी बीच में आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, अपनी बात रखना जानते हैं, दूसरे की बात मानना नहीं जानते। तो शांत रहिए, ईगो उनका जैसे ही ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर होगा जजमेंट, ठीक है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा जब शांत कर लेंगे, ठीक है, तो वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। और इस वक्त वो गॉड से भी प्रे कर रहे हैं कि हम दोनों के रिश्ते में मुझे झुकना नहीं पड़े, सब कुछ वैसे ही ठीक हो जाए, ठीक है।
एट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी जो मैंने बताया कि आप दोनों के रिश्ते में उनके थॉट्स भी काफ़ी ज़्यादा थर्ड पार्टी का काम कर रहे हैं और छोटे मोटे टोने टोट के भी किए गए हैं आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों को दूर करने के लिए। जैसे ये चीज़ें दूर होंगी, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जितना मजबूत ये रिश्ता पहले था उतना ही मजबूत ये रिश्ता हो जाएगा, ठीक है। टेन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, सभी नेगेटिव एनर्जीज को पीछे छोड़ के आपके पार्टनर यहाँ पर आकर आपको एक प्यारा सा कमिटमेंट देंगे, ओके। तो यहाँ पर अभी आपको क्या करना है भाई, हमेशा की तरह जो मैं कहते हैं एकदम पॉजिटिव रहो, कोई नेगेटिव चीज़ मैनिफेस्ट मत करो, ओके। तो ये थी रीडिंग, आई होप सभी को पसंद आई है और सभी इसमें जो भी गाइडेंस है उस सभी आप लोग अपनी लाइफ में लेकर आएंगे, नेगेटिव चीज़ मैनिफेस्ट नहीं करेंगे। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे जीमेल पे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।